दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भारत ये वर्ल्ड कप 2023 के खिताब जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले के दौरान सुमन गिल और विराट कोहली ने कुछ ऐसे कमाल की बल्लेबाजी कर दिया कि विरोधी टीम की कमर ही तोड़ के रख दिया। आखिर इस मैच के दौरान सुमन गिल और विराट कोहली ने कितने रन बनाए आपको बताना जाना, साथ ही उस दोनों बल्लेबाजों की पूरी बैटिंग हाईलाइट भी आपको दिखाना जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत के साथ फाइनल मुकाबले में कौन खेलेगा, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला लास्ट स्टेज तक पहुंच गया है। लगभग सभी टीमों ने सारे मुकाबले खेल चुका है और कुछ मुकाबले ही बचे हैं, और ये मुकाबले तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगा। आज के मुकाबला भारत के लिए बहुत ही शानदार मुकाबला है, क्योंकि आज इस मुकाबले में भारत की जीत के साथ वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। इस मैच के दौरान टॉस घुमाया गया, लेकिन यह टॉस हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन जो रोहित शर्मा चाहते थे बिल्कुल वही हुआ। रोहित शर्मा बैटिंग चाहते थे और बैटिंग ही मिला उसे, लेकिन इस मैच के दौरान रोहित शर्मा का बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर पाया। पहला गेंद बहुत ही शानदार तरीके से चौका लगाया, लेकिन दूसरे गेंद पर वो डायरेक्ट बोल्ड हो गया और मधुशंका को दूसरे गेंद पर सफलता मिल गया रोहित शर्मा के रूप में। और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब यहाँ से बाहर है विराट कोहली और सुमन गिल, दोनों ने मिलकर भारत के लिए एक अच्छा और मजबूत स्थिति तक पहुंचाने के लिए अपना बल्लेबाजी शुरू कर दिया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर श्रीलंका के बल्लेबाज हावी हो रहे थे। आपको बता दें कि सुमन गिल का एक कैच ड्रॉप हो गया और इसी के साथ विराट कोहली का भी कैच ड्रॉप हो गया, और लगातार श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बना रहा था। लेकिन देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने प्रेशर को रिलीज किया, भारत के लिए रन बनाना शुरू कर दिया, और देखते देखते विराट कोहली ने अपना हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लिया। और इसी के साथ सुमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी अपने शानदार और अपने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर लिया, और इन दोनों बल्लेबाजों के अर्धशतक के दम पर भारत के लिए एक अच्छा स्कोर मिल गया। लेकिन इन दोनों बल्लेबाज जिस तरह से अपने सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज सेंचुरी ठोकेंगे, और ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल सेंचुरी के करीब पहुंच गया था। लेकिन सुमन गिल गलती कर बैठे और 92 रन के स्कोर पर आउट हो गया। इस मैच के दौरान सुमन गिल ने 2 छक्के और 11 चौके मारे थे, और इसके बाद इसको देखते देखते विराट कोहली भी सेंचुरी ठोकने में नाकाम रहा। आपको बता दें कि विराट कोहली इस मैच में 88 रन का ही स्कोर कर पाया था, जिसमें से 11 चौके शामिल थे। यदि इस मैच के दौरान विराट कोहली यदि सेंचुरी ठोक देता तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबरी कर लेता, लेकिन विराट कोहली का अब अगले मैच का इंतजार करना होगा। वैसे दोस्तों, सभी को क्या लगता है इस मुकाबले का विजेता कौन होगा, इंडिया या फिर श्रीलंका, नीचे कमेंट बना रहा है जरूर बताइएगा। और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।